बरेली में पुलिस कस्टडी से फरार चल रहे अभियुक्त को थाना हाफिजगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया, अपराधी हसीब पुत्र तौफिक निवासी मोहल्ला ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत को कस्बा रिठौरा से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। मुकदमा अपराध संख्या 427/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियुक्त हसीब उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 315/22 धारा 369 आईपीसी एवं थाना नवाबगंज के मुकदमा अपराध संख्या 240/22 धारा भादवी में वांछित है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना हाफिजगंज ने एक सातिर अपराधी हसीब पुत्र तौफीक, जो बीसलपुर थाना जनपद पीलीभीत का रहने वाला है, उसको दफा 25 में गिरफ्तार किया है। यह अपराधी एक सातिर पशु चोर भी है और गौ तस्कर भी है, जिसके ऊपर आधे दर्जन से अधिक मुकदमे बरेली के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत हैं। पिछली बार जब पुलिस ने इसको पकड़ा था तो ये मेडिकल कराने के टाइम पर पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, उसी मामले में इसको गिरफ्तार किया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।